Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. Indian dance form में हमने भरतनाट्यम कर लिया था. आज का जो लेक्चर है दैट इज बेस्ड ऑन द कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में होता है. आई जस्ट होप भरतनाट्यम का लोकेशन सभी को अब क्लियर है, तमिलनाडु. एंड कुचिपुड़ी कहाँ का हुआ? दैट इज आंध्र प्रदेश. तो कुचिपुड़ी के बारे में ही आज हम डिटेल में करेंगे. उसके फीचर्स क्या क्या हैं, एविडेंसेस क्या क्या देखने को मिलते हैं, वो सारा इसमें आएगा अंडर योर कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी का अगर ओरिजिन देखें तो दैट इज फ्रॉम द कुशेलवापुरी. तो हैंस कौन से एरिया में आ जाता है? कुशेलवापुरी. और क्यों आया कुशेलवापुरी में ही, तो उसकी एक स्टोरी है. तो वो स्टोरी भी हम देखेंगे आज ही इसी वीडियो में. देखो, फर्स्ट टाइम ये जो डांस था ना कुचिपुड़ी, गोलकोंडा और विजयनगर एम्पायर थे ना जो, उन्होंने इसको पेट्रोनाइज करा था. कोई ना कोई पेट्रोनाइज करता ही था डांसेस को. तो गोलकोंडा और विजयनगर जो थे देवर वेरी पॉपुलर, जिन्होंने कुचिपुड़ी को पेट्रोनाइज करा. मतलब उनको पसंद था ये डांस, ठीक है. उन्होंने प्रमोट भी काफ़ी करवाया. जो मेल ब्राह्मण जुआ करते थे वो इसको परफॉर्म करते थे. एक्चुअली होता क्या था, पहले तो ये एक लिविंग डांस था. फिर उसके बाद एक लॉन्ग टाइम तक ये चलता रहा टेम्पल्स में ही. फिर टेम्पल्स में जब चल रहा था तो एडवेंट होता है एकदम से भगवतीज़म का. भगवतीज़म मतलब भगवत गीता का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और उसको करा जाता है मिसयूज़. और एक तरह से मोनोपोली बन गई कि सिर्फ मेल ब्राह्मीन्स जो हैं वही इसको परफॉर्म करेंगे. और भगवत पुराण में भी हमें देखने को मिलता है कि ऐसी चीज़ हुई थी, भागवतीज़म के बारे में हुआ था. और एक डांसर जो थे वो थे भागवतालु, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे. तो ये तो एक स्टोरी सी थी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल पहले ये मेल ब्राह्मिन्स के द्वारा ही परफॉर्म की जाती थी. बट उसके बाद सेक्युलर थीम आ गई, देयर वॉज नो कंपल्शन कि सिर्फ मेल ब्राह्मिन ही इसको परफॉर्म करेंगे. ये आ गया रिसाइटेशन ऑफ भगवत पुराणा कि मेल ब्राह्मिन इसको परफॉर्म करेंगे किस चीज़ के साथ, भगवत पुराणा के साथ. और पंचतत्व में ये एलिमेंट ऑफ अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. किसको? एलिमेंट ऑफ अर्थ. फायर का एलिमेंट कौन सा था तो लास्ट लेक्चर में हमने करा था, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगी बिकॉज कन्फ्यूजन होता है. तो कुचिपुड़ी क्या कौन सा एलिमेंट बताती है? दैट इज अर्थ एलिमेंट. अब अगेन एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को सही प्रूव करने के लिए. नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र में ये बोला गया है कि यस, कुचिपुड़ी जो थी वो 200 BC टू 200 AD के बीच में ओरिजिनेट कर गई थी. और ये जो कुचिपुड़ी थी एक तरह से भक्ति मूवमेंट जो हुई थी 6th century की, उसका भी रिजल्ट बन के आई थी. तो कुचिपुड़ी. फिर एक बुक लिखी जयदेव ने, दैट इज गीता गोविंदा. स्कूल्स में भी पढ़ेंगे हम, जो पेंटिंग स्कूल आएंगे उसमें भी ये आएगी, गीता गोविंदा. तो उन्होंने भी ये बताया कि कुचिपुड़ी आ चुकी थी उस टाइम. ओरिजिनली कुछ एक्टर्स जो मतलब एक्टर होते हैं जो इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी डांस को परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी क्या बोलते हैं? एक्टर्स. तो मतलब कुछ लोग जो थे वो एक विलेज से दूसरे विलेज में जाया करते थे, जिनको बोला जाता था कुशेलवास. हैंस जो जगह थी उसका नाम क्या था? कुशेलवापुरी. फीचर्स देखें तो लास्य और तांडव दोनों इसमें होते हैं. मतलब फीमेल एलिमेंट एज वेल एज मेल एलिमेंट, दोनों डांसेस इसमें देखने को मिलते हैं. कामनेस भी देखने को मिलेगी, एंगर भी देखने को मिलेगा. फिर एक टर्म आएगी दारू. दारू ये पीने वाली दारू नहीं है, बट जो कुचिपुड़ी की स्टार्टिंग होती है ना उसमें क्या होता है, जो स्टार्टिंग में स्मॉल कॉम्पोजिशन यूज करते हैं डांस एंड सॉन्ग के, उनको क्या बोलते हैं? दारू. तो दारू इज अ स्टार्टिंग एलिमेंट, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? दारू. वैसे हमने भरतनाट्यम में देखा क्या था, क्या अलारीपू, अलारीपू वॉज द इंट्रोडक्टरी पार्ट इन भरतनाट्यम. पर दारू किसमें है? तो कुचिपुड़ी में दारू से स्टार्ट करते हैं, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है. सोलो एलिमेंट होता है कुचिपुड़ी डांस में. सोलो भी होता है, ग्रुप भी होता है. पर जो सोलो एलिमेंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो कौन कौन से हैं? एक है मंडूक शब्दम. मंडूक थोड़ा मेंढक की तरह वॉइस दे रहा है. तो मंडूक शब्दम में बेसिकली एक फ्रॉग की टेल है, एक फ्रॉग की स्टोरी सुनाई जाती है. एक आता है तरंगम. तरंगम भी सोलो परफॉर्मेंस है. तरंगम में क्या किया जाता है, जो डांसर होती है ना, मान लो ये डांसर है, ये क्या करेंगी कि एक ब्रास प्लेट रखेंगे नीचे, उसके ऊपर डांस करेंगी, ठीक है. उन जो ब्रास प्लेट की बाउंड्री होगी उस पर अपने पैर रखेंगे और उसके ऊपर डांस करेंगे. तो दैट इज तरंगम, कि डांस जो है वो अपने पैर एक ब्रास की प्लेट के ऊपर रखेंगे एंड देन वहाँ पे डांस करेंगे. और सिर के ऊपर और भी रखेंगे. सिर के ऊपर क्या रखेंगे? एक वाटर पॉट रखेंगे और उसके ऊपर सेट ऑफ दियास, ठीक है. तो बैलेंस दिखाया जाता है एक तरह से. तो दैट इज तरंगम. फिर आता है जल चित्र नृत्यम. आप
आपको इसमें क्या दिखाया जाएगा कि जो लेडी होगी वो अपने पैर से नीचे ड्राइंग करेगी फ्लोर के ऊपर। तो जल चित्र नृत्यम इसलिए बोला गया है कि जो पैर की मूवमेंट होगी वो इस तरह से होगी जैसे पानी के ऊपर अपना पैर घुमा रही है। ऑल दो नीचे कलर्स होंगे, कलर्स के ऊपर वो क्या करेंगी, कलर्स के ऊपर ड्राइंग करेगी। ठीक है, तो ये आ गया जल चित्र नृत्यम, ड्राइंग पिक्चर्स ऑन द फ्लोर विद हिज और हर टो। अगर मेल लास्य या तांडव, वो डिपेंड करता है कौन परफॉर्म कर रहा है। तो जल चित्र नृत्यम, पानी का इससे कोई रिलेशन नहीं है, बस ऐसे लगेगा उनकी जो पैर की मूवमेंट होगी वो इतनी सॉफ्ट होगी, ऐसे लगेगा कि पैर के ऊपर अपना पैर, जो पानी है उसके ऊपर अपना पैर घुमा रही हो। ठीक है, फिर आता है सॉन्ग कौन कौन से प्ले करे जाएंगे और किन इंस्ट्रूमेंट के साथ प्ले करे जाएंगे। तो वायलिन, मृदंगम और कार्नेटिक म्यूजिक चलता है, जो साउथ इंडिया है ना अपना, साउथ ये आ गया ये वाला। ठीक है, इधर सारे में ही कौन सा आएगा, कार्नेटिक म्यूजिक। उसके बाद प्रोमिनेंट डांसर्स कौन कौन रही वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। एक थी राधा रेड्डी, कौन थी, राधा रेड्डी, तो दैट इज द प्रोमिनेंट डांसर ऑफ कुचिपुड़ी। सेकेंड थे राजा रेड्डी, ठीक है, राधा राजा दोनों याद रह जाएंगे, राजा और राधा। अच्छा, इसके थीम्स देख लो, किन किन थीम्स पे ये बेस्ड होते थे डांस। जैसे भरतनाट्यम तो शिवा से ही एसोसिएटेड था, पर जो कुचिपुड़ी की थीम्स हैं वो वैष्णविज्म, वैष्णविज्म के साथ साथ लॉर्ड कृष्ण को साथ में, जो भगवत पुराण है उसकी स्टोरीज, और थीम जो रहती थी बेसिकली वो सेक्युलर ही होती थी। ठीक है, कई बार बाकी ये तीन थीम जो थी वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कुचिपुड़ी डांस। अब इसके बाद हम अगला डांस देखेंगे। तो अभी तक जितना भी करवाया है, आई जस्ट होप आपने नोट्स बनाए हैं, बिकॉज नोट्स बनाए होंगे तो आपको रिविजन करने में ईजी रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कुचिपुड़ी, एंड मैंने ट्राई किया कि आपका कुछ भी स्किप ना हो रिगार्डिंग द कुचिपुड़ी और जो भी हम आगे के डांसेस करेंगे। बिकॉज क्या होता है ना, हम फिर ढूंढते रहते हैं कि यहाँ पे मिल जाए, वहाँ पे मिल जाए। तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एज वेल, और जिनको लिखना है वो लिख भी सकते हैं, बट लिखने में ये अच्छा रहता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें बोली होती हैं वो भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।